हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटॉन फील्ड लेके आया हूँ। एक फॉल्ट देख सकते हैं हमारे पास, सैमसंग का 14 इंच का एक अल्ट्रा सिम टीवी लेके आया हूँ। इस टीवी का फॉल्ट ढूंढूंगा, इसका सॉल्यूशन करूंगा। ठीक है, इसको लास्ट तक वीडियो देखते रहिए, नहीं तो कुछ भी नहीं पता चलेगा। और मेरा चैनल पर जो नया दोस्त है उसको कहूँगा मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इस टीवी का प्रॉब्लम क्या है वो पहले देख लेते हैं। दोस्तों जब मैं टीवी को पावर देता हूँ, पावर देने के बाद हमारा पावर इंडिकेटर जल जाता है, और जलने के बाद इसका जो सिस्टम है ऐसे ही हो रहा है, ब्लिंकिंग हो रहा है। और टीवी पे जो हमारा पिक्चर है वो कैसे पिक्चर आ रहा है देखिए। हमारा टीवी का अंदर में जो वीडियो होना चाहिए वो वीडियो तो है, और उसके ऊपर पे हमारा जो हाई रिटर स्क्रीन हो जाता है, स्क्रीन पे हाई स्क्रीन जो बोला जाता है वो वाला प्रॉब्लम आया है। इसीलिए इसका सॉल्यूशन क्या है वो ढूंढने के लिए पहले टीवी को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद ही पता चलेगा इसका क्या सॉल्यूशन निकालो, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। इसीलिए क्या करेंगे, पहले टीवी को ओपन कर लेंगे, ओपन करने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों जो मैं बता रहा था, हमारा टीवी पे जो मेरे अल्ट्रा सिम का ट्यूब है, ये रहा 14 इंच का ट्यूब, ये रहा योक कॉयल, और ये रहा बेस पीसीबी, ये रहा मेन पीसीबी। दोस्तों आज का जो प्रॉब्लम आया है ये हमारा बेस पीसीबी का वोल्टेज रिलेटेड प्रॉब्लम है, और मेन पीसीबी का जो वोल्टेज रिलीज करता है वो उसका प्रॉब्लम हो सकता है, ईएसटी पे प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे इस वाला जो प्रॉब्लम होता है हाई स्क्रीन, हमारा क्या होता है, हमारा सिस्टम पे जब जब हमारा 200 वोल्ट मिसिंग हो जाता है तब इस वाला प्रॉब्लम होता है। सैमसंग पे आप लोगों को पता होगा, सैमसंग टीवी पे हमारा इस वाला प्रॉब्लम ज़्यादातर आता है, क्योंकि इसका जो 200 वोल्ट का जो कनेक्शन है, 200 वोल्ट का जो फॉयल जाके हमारा इस वाला ट्रैक पे आके हमारा 200 वोल्ट बेस पीसीबी को भेजता है, उस वाला ट्रैक हमारा सड़ जाता है या ख़राब हो जाता है, स्पार्किंग हो जाता है, कुछ भी। इसीलिए हमारा बेस पीसीबी पे वोल्टेज नहीं पहुंच पाता, इसीलिए ये वाला प्रॉब्लम होता है। लेकिन ये वाला प्रॉब्लम कुछ अलग है, इस पे आप लोगों को गौर दिखा देता हूँ। इस पे हमारा वोल्टेज प्रेजेंट है, जैसे ये जो हमारा काला वाला पट्टा दिख रहा है, ये वाला काला वाला पट्टा हमारा वोल्टेज का पॉइंट है। जैसे हमारा 207 वोल्ट आ रहा है, और ये वाला वोल्टेज हमारा सभी कलर ट्रांजिस्टर पे भी जा रहा है, क्योंकि नहीं जाएगा तो हमारा जिस ट्रांजिस्टर पे वोल्टेज नहीं जाएगा वो वाला कलर ज़्यादा हाई हो जाएगा। इसीलिए सभी कलर ट्रांजिस्टर पे हमारा वोल्टेज पहुंच रहा है, लेकिन फिर भी हमारा हाई स्क्रीन हो गया है, हाई रिक्टर स्क्रीन बोला जाता है। देखिए ऑटोमेटिकली हमारा एक स्क्रीन हट गया है, और ये जो नीचे वाला जो स्क्रीन का जो पीसेट है, ईएचटी का स्क्रीन का पीसेट है, ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो देखिए मैं इसको थोड़ा सा टच किया तो हमारा फिर से हमारा वही वाला हाई रिक्टर स्क्रीन जो बोला जाता है वो वाला प्रॉब्लम फिर से आ गया है। मतलब क्या हुआ, आज का जो प्रॉब्लम है हमारा वोल्टेज मिसिंग का प्रॉब्लम नहीं है, वोल्टेज ज़्यादा हो जाने के लिए ही ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा, हमारा सिस्टम पे जो ईएसटी दिया गया है, हमारे ये वाला सैमसंग पे जो ईएसटी दिया गया है, ईएसटी पे हमारा दो पीसेट होता है। एक हमारा स्क्रीन का पीसेट होता है जो लाइट को ज़्यादा कम करता है, और एक पीसेट होता है हमारा फोकस के लिए जो हमारा पिक्चर को क्लीन करता है, क्लियर करता है। लेकिन ये फोकस का पीसेट का प्रॉब्लम नहीं है, ये वाला प्रॉब्लम आया हमारा स्क्रीन का जो पीसेट है, पीसेट का ये पीसेट अंदर से स्पार्किंग होके ख़राब हो चुका है। इसीलिए इसको जब हल्का सा टच करता हूँ तो हमारा स्क्रीन पे जो पिक्चर आना चाहिए वो क्लियर हो जाता है, और थोड़ी देर के बाद इसको आहिस्ता आहिस्ता स्पार्किंग करते करते हमारा फिर से रिटर स्क्रीन आ जाता है। आप लोग देख सकते हैं कैसे रिटर स्क्रीन हो रहा है, स्पार्किंग हो रहा है, और थोड़ी देर के बाद ये हाई रिटर स्क्रीन पे पहुंच जाएगा। देखिए मैं सिर्फ टच किया तो ये वाला रिटर स्क्रीन फिर से आ गया है। कस्टमर ने कहा था कभी कभी क्या होता है, मैं टीवी को ऑन करने के बाद पिक्चर तो क्लियर आ जाता है, कुछ देर के बाद ऑटोमेटिकली हमारा हाई स्क्रीन हो जाता है, अंदर में तो पिक्चर चलता है लेकिन पिक्चर दिख नहीं रहा है। इसीलिए ही मैंने जब इसको खोल के देखा तो ये वाला प्रॉब्लम दिखा, क्या ये वाला ईएसटी का जो नीचे वाला प्रीसेट है, स्क्रीन का प्रीसेट, ये प्रीसेट हमारा ख़राब हो चुका है। ये प्रीसेट को आप लोग
चेंज नहीं कर सकते। इस ये पूरा ईएसटी से ही ढलाई करके रखा है, इसको ओपन करके अब लोग चेंज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ईएसटी तो सही है, ईएसटी का कॉयल भी सही है, ईएसटी का वोल्टेज भी सही है, ईएसटी पीसेट जो हमारा फोकस का पीसेट सही है, लेकिन हमारा स्क्रीन का पीसेट खराब हो चुका है। इसीलिए क्या करना है, पूरा ईएसटी को ही चेंज कर देना है, नहीं तो आप लोग इसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे। क्या करते, अब मैं क्या करूँगा, ये वाला ईएसटी को नया वाला एक ईएसटी लगाऊंगा। नया वाला ईएसटी लगाने के बाद देखेंगे हमारा जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। मैं तो कहूँगा 100% सॉल्व हो जाएगा इसका ईएसटी चेंज करने से। इसका नंबर भी देख लेते, इसका नंबर दिया गया है 317A, ईएसटी का नंबर 317A ये वाला ईएसटी दिया गया है। ये ईएसटी को चेंज करना है, मैं क्या करता हूँ नया वाला ईएसटी लगा लेता हूँ। और एक चीज़ दिखा दूँ आप लोगों को समझने में आसानी होगा, ये जो हमारा 200 वोल्ट का जो प्रीसेट है, जो फोकस का स्क्रीन का प्रीसेट है, इसकी स्क्रीन का प्रीसेट का जो वायर होता है, ये हमारा जो पतला वाला जो तार वायर होता है, ये वाला वायर पे कनेक्ट होता है। जैसे एक मोटा वाला वायर है, एक पतला वाला वायर है, ये मोटा वाला वायर हमारा काम करता है जो जो फोकस होता है फोकस के लिए, और ये पतला वाला जो वायर होता है ये वायर काम करता है हमारा स्क्रीन के लिए, जो लाइट अप डाउन करने के लिए। ये कहाँ पे कनेक्टेड है, हमारा टीवी पे आप लोग गौर कीजिए, हमारा टीवी पे एक पॉइंट होगा जो G2 कहा जाता है। ये जो पॉइंट है इसको G2 कहा जाता है, और ये G2 कनेक्शन हमारा ग्राउंड के साथ एक पीएफ लगा के इसको कनेक्टेड है। ये वाला पॉइंट पे ही हमारा ये वाला पतला पाला वायर कनेक्टेड है। और इसको वोल्टेज चेक करेंगे, जब हमारा हाई स्क्रीन होके रह गया है, हाई स्क्रीन देखिए, हाई स्क्रीन जब है मेरे टीवी पे, तब इस पे कितना वोल्टेज है उसको चेक करेंगे। ये वाला टच करने से हमारा टीवी का पिक्चर पूरी तरह से बंद हो जाएगा। और इस पे कितना वोल्टेज है, 450 वोल्टेज है। इसको मैं स्क्रीन पीसेट को घुमा के हल्का कर दूंगा, जो हमारा रिट्टा स्क्रीन हट जाएगा। और रिट्टा स्क्रीन हटने के बाद इस पे कितना वोल्टेज है वो देख लेंगे। देखिए 33 35 इतना वोल्टेज आ रहा है, 335। देखिए ऑटोमेटिकली हमारा ये वाला वोल्टेज अप डाउन कर रहा है, ये वोल्टेज अप डाउन नहीं करेगा, ये वोल्टेज स्टैंड रहेगा। जितना वोल्टेज मेरे हाई स्क्रीन पे रखूँगा और जो लो स्क्रीन पे रखूँगा उतना वोल्टेज ही रहेगा। देखिए मैं प्रीसेट को फिर से कम कर दिया हूँ, और ये देखिए ऑटोमेटिकली वोल्टेज अप डाउन करके बढ़ जाता है, 340 ये वोल्टेज अप डाउन कर रहा है। और जब हमारा हाई स्क्रीन भी हो जाएगा, हाई स्क्रीन पे हमारा कितना वोल्टेज है ये देखिए 435। मतलब हमारा ये प्रीसेट सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, और ये वोल्टेज अप डाउन करने के कारण ही हमारा टीवी पे पिक्चर भी अप डाउन कर रहा है। इसलिए ये वाला ईएसटी को चेंज कर देते हैं। दोस्तों मैंने पुराना वाला जो ईएसटी था, ईएसटी को चेंज करके मैंने नया वाला एक ईएसटी लगा चुका हूँ। और ये जो पुराना वाला जो ईएसटी था, इसका नंबर था 00317A, ये वाला ईएसटी का नंबर था। मैंने वही वाला नंबर लगाया, देखिए 00317A ये वाला ईएसटी लगाया हूँ। और लगाने के बाद टीवी पे पिक्चर दूंगा, और जो हमारा वोल्टेज अप डाउन हो रहा था वो वाला प्रॉब्लम भी देख लूँगा। ठीक है, मैं टीवी को पावर दे चुका हूँ, पावर देने के बाद हमारा टीवी स्टार्टिंग हो चुका है, और हमारा इंडिकेटर भी ब्लिंकिंग हो रहा है। और ब्लिंकिंग होने के बाद हमारा टीवी पे कैसे स्क्रीन आएगा देखिए, मैंने ए भी कॉर्ड को कनेक्ट कर चुका हूँ। कनेक्ट करने के बाद ये वाला पिक्चर भी आ चुका है, और टीवी पे जो अप डाउन का जो हमारा रिटर्न स्क्रीन आ जाता है थोड़ा सा, ये जो मैंने जब टच किया तो हमारा ये वाला स्क्रीन बढ़ जाता था, पीछे स्क्रीन का जो लाइट था वो बढ़ के वो हमारा रिटर्न स्क्रीन आ जाता था, वो वाला प्रॉब्लम हमारा हट गया है। और देखिए मैं रिटर्न के जो हमारा ये नीचे वाला जो पीसेट है स्क्रीन का पीसेट, और स्क्रीन का पीसेट पे जो वायर कनेक्टेड है G2 पे, वो वाला कनेक्शन पे मैं टच करूँगा, और हमारा टीवी का पिक्चर बंद हो जाएगा। और देखिए इस पे हमारा वोल्टेज कितना है,
378379, मतलब हमारा एक जैसा ही वोल्टेज है। और जब मैंने पुराना वाला ESD को मापा था तो 337400 इतना वोल्टेज अप डाउन कर रहा था, 437 इतना वोल्टेज। ये वोल्टेज जो है वो फिक्स्ड है, और हमारा टीवी पे जो पिक्चर भी होना चाहिए वो भी पिक्चर फिक्स है। मतलब दोस्तों ये तो हमारा आज का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया है, लेकिन थोड़ा सा पिक्चर जो हमारा ESD लगाने के बाद, क्योंकि ये हमारा मार्केट जब कंपनी ने ESD लगाया था उसको कंट्रोल में, जो हॉरिजेंटल वर्टिकल सेक्शन कंट्रोल में किया था, वो वाला सिस्टम हट जाएगा, क्योंकि ये भला ये ESD वर्टिकल को भी सप्लाई देता है और हॉरिजेंटल के भी पिक्चर को भी कंट्रोल करता है, इसीलिए ये वोल्टेज ज़्यादा अप डाउन करेगा, थोड़ा सा वोल्टेज इधर उधर हो जाएगा। तो हमारा पिक्चर कैसे आया है देख लीजिए, हमारा जो इस साइड पे थोड़ा सा पिक्चर छोटा हो गया है, और अप डाउन का जो पिक्चर है वो बड़ा पिक्चर भी हमारा छोटा थोड़ा सा कम हो गया है। मैं पीसेट को घुमा के रिक्टर स्केल करके दिखा देता हूँ। ये देखिए हमारा इस साइड का थोड़ा सा पिक्चर छोटा है, और अप डाउन का जो पिक्चर है वो पिक्चर भी थोड़ा सा छोटा हो गया है। इसके लिए क्या करना है, मुझको एक सैमसंग का ओरिजिनल रिमोट लेना है। रिमोट लेने के बाद इसको वर्टिकल सेक्शन और हॉरिजेंटल सेक्शन को शिफ्ट कर देना है। तो फैक्ट्री मोड खोलना पड़ेगा, सर्विस मोड खोलना पड़ेगा। ठीक है, मैं टीवी को सेटिंग कर लेता हूँ। सेटिंग करने के बाद इसको सर्विस मोड खोल के भी इसको सही कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, मैंने टीवी को आगे से घुमा चुका हूँ और टीवी को पावर दे देता हूँ। पावर देने के बाद ये वाला सिस्टम को चेक करेंगे कहाँ कितना पिक्चर शॉर्टेज है। ये देखिए अप साइड पे पिक्चर छोटा है, इसीलिए ये वाला बार नीचे साइड पे आ गया है, और देखिए ए टीवी पे थोड़ा सा पिक्चर छोटा है। इसीलिए क्या करना है, ये वाला पिक्चर जो है पिक्चर को शिफ्ट करना है हॉरिजेंटली। जो हमारा सर्विस मोड है, सर्विस मोड को खोल के इसको पिक्चर को शिफ्ट करना है, और हमारा वर्टिकल अप डाउन का पिक्चर जो छोटा हो गया है वो वाला पिक्चर को बड़ा करना है। इसीलिए क्या करना है, एक रिमोट लेना है जो सैमसंग का रिमोट होना चाहिए, और सैमसंग का रिमोट लेने के बाद इसको सर्विस मोड ओपन करना है। दोस्तों मैं जो बता रहा था सर्विस मोड कैसे ओपन करते हैं, टीवी को पावर देने के बाद हमारा स्क्रीन पे जब पिक्चर आ जाएगा, पिक्चर आने के बाद इसको फिर से स्टैंड बाय बटन को दबाना है। स्टैंड बाय दबाना है, इन्फो दबाना है, उसके बाद मेनू दबाना है, म्यूट दबाना है, उसके बाद पावर को फिर से स्टैंड बाय से रिलीज कर देना है। रिलीज कर देने के बाद हमारा टीवी पे जो सर्विस मोड का जो सिस्टम है, सिस्टम ऑन होना चाहिए। ये ऑन नहीं हुआ, फिर से ट्राई करेंगे क्यों नहीं हुआ। पहले पावर टिपेंगे, उसके बाद इन्फो, मेनू, म्यूट, पावर ऑन, इसको ट्राई करना है, क्योंकि जल्दी भी नहीं करना है और देरी भी नहीं करना है, नहीं तो ये सर्विस मोड नहीं ओपन होगा और इसका लिस्ट भी नहीं आएगा। देखिए सर्विस मोड ओपन हो चुका है, और सर्विस मोड ओपन होने के बाद ये जो हमारा एरो वाला पिन है इसको लेना ले आना है इस वाला पॉइंट पे। देखिए लेके आया हूँ, और इसको वॉल्यूम प्लस कर देना है। प्लस कर देने से हमारा वर्टिकल और हॉरिजेंटली सिस्टम आ चुका है। देखिए वर्टिकल VA आ चुका है। VA पे क्या करेंगे, थोड़ा सा पिक्चर को बढ़ा देंगे। देखिए मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, अप डाउन साइड का दोनों साइड पे पिक्चर देखिए बढ़ रहा है। देखिए बढ़ गया है, इसका जो इंड लाइन आ गया था वो लाइन हमारा अंदर में चला गया है, मतलब हमारा दोनों साइड पे पिक्चर अप डाउन का वो पिक्चर बढ़ गया है। उसके बाद लेके आएंगे हमारा हॉरिजेंटल सेक्शन HS, इसको क्या करना है, इसको शिफ्ट करना है। इसके लिए वॉल्यूम प्लस दबाना है, देखेंगे इसको हटता है कि नहीं। देखिए थोड़ा थोड़ा करके ये हट रहा है, मतलब ये देखिए हट गया है, मतलब ये दोनों साइड पे पिक्चर हमारा सही हो गया है। इसको इसके बाद क्या करना है, ये जो पावर बटन है, पावर बटन को दबाने के बाद दबा के इसको सर्विस मोड का हटा देना है। देखिए मैं इसको बंद कर देता हूँ। बंद कर देने के बाद इसको फिर से जब रिलीज करेंगे तो हमारा टीवी वो सर्विस मोड लाइन भी, जो लोगो आया था, लिस्ट आया था, वो भी हट जाएगा, और जो हमारा प्रॉब्लम था अप डाउन का पिक्चर का प्रॉब्लम या हमारा साइड का प्रॉब्लम, वो बड़ा प्रॉब्लम भी सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, मेरा दोनों साइड का पिक्चर सही हो गया है, अप डाउन का साइड का भी पिक्चर सही हो गया है। मतलब दोस्तों क्या हुआ, हमारा टीवी का सभी जो प्रॉब्लम था ये वो सॉल्व हो चुका है। ठीक है, मैं आदर्श पिक्चर देके देखता हूँ, मैं चैनल चेंज करके देखता हूँ। जो पूरा वाला पिक्चर होता है वो पूरा वाला पिक्चर देखे देखूंगा, जो हमारा अप डाउन का जो पिक्चर का शॉर्टेज था वो वाला सॉल्व हुआ कि नहीं। ये देखिए हमारा पूरी तरह से पिक्चर का
प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, अप डाउन का पिक्चर, लेफ्ट राइट का पिक्चर सॉल्व हो चुका है। और जो हमारा हाई स्क्रीन वाला प्रॉब्लम था, वो वाला प्रॉब्लम तो हमारा ESD का जो स्क्रीन का फीसेट खराब हो गया था, ESD को चेंज कर देने से वो सॉल्व हो गया है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह का नया नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, जब भी मैं नया नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।